अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सभी देवी देवता अस्थाई शिविरों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की देवधुनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना हुई। देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाया और आरती हुई। देवी देवताओं के अस्थाई शिविर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान रघुनाथ, माता सीता, नरसिंह भगवान, शालिग्राम हनुमान को गद्दी में बिठाकर विभिन्न प्रकार फूलों के साथ गद्दी साज सजावट की। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह भगवान को पुष्पमाला अर्पित की, जिसके बाद भगवान को गर्भगृह में बिठाया गया। जैसे विजयदशमी का द्वितीय दिन है, तो आज भगवान की जो क्रमवश पूजा है उसका आरंभ हो चुका है। 8 बजे प्रात पूजा हुई, अभी बड़ी पूजा हो रही है, आप देख रहे हैं। इसमें विशेष बड़ी पूजा में ये होता है कि जो प्रात पूजा होती है उसमें सीता माता, रघुनाथ जी और हनुमान जी, शालिग्राम जी का स्नान हो जाता है, किंतु बड़ी पूजा में जो है भगवान नरसिंह जी का और रघुनाथ जी का श्रृंगार स्नान होता है, और उसके बाद जो है अभी जो पूर्ण रूप से जो है नरसिंह भगवान का श्रृंगार होगा, और उसके बाद जो है भोजन होगा भगवान का, और नरसिंह भगवान जो है अपना राजभोग लेने के लिए जो हमारा कैंप है राजा साहब का, वहां जाएंगे और राजभोग लेंगे। आज दशहरा उत्सव का दूसरा दिन है, ये मैं देवता थान हर्षद ऋषि रुक्मणी का पुजारी हूँ। हम यहाँ पे जैसे जो सुरैली जैसे हमारे मंदिरों में पूजा होती है, और जैसे वैसे यही भी यहाँ भी हमारी पूजा होती है देवते की। जितने भी यहाँ देवी देवता आए हैं सबकी पूजा वैसी होती है जैसे हमारे देवते देवते के स्थान पे होती है। बहुत से सारे देवते यहाँ आए हैं, और क्या नाम जैसे हमारे गाँव में मंदिरों में पूजा होती है वैसे यहाँ भी पूजा होती है। और जैसे हमारे देवते हम जैसे कि मैं पूजा करता हूँ तो मैं सभी देवता देवी देवताओं का नाम लेता हूँ, और कुछ भी दिया और भी है बोलने की हम बता नहीं सकते हैं, वो सिर्फ हम जब पूजा करते अभी बोलते हैं।